Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं वकार की तरफ से बहुत परेशान। क्यों, क्या हुआ? वकार तो निगह से शादी के लिए मरा जा रहा है। पहले ऐसा था, वैसा नहीं है। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि एक दफा आप फिर अपने फैसले पे नजरसानी कर लें तो बेहतर है। ठीक कह रही हो दुल्हन तुम, मुझे वाकई नजरसानी करनी चाहिए। भाई वो अम्मी के कहने का मतलब ये है कि आपके इस तरह से बात करने से आपके और निगत के रिश्ते पर असर पड़ेगा। तो देखो, मुझे अपनी जिंदगी में किसी दूसरे की मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हुआ अलमाज भाभी? बात तो ऐसी है जिसके सुनते ही आपके 14 तबक नहीं 72 तबक रोशन हो जाएंगे। हेलो निगत, कैसी हो? यस आई एम फाइन। क्या हो गया? लेकिन मुझे थोड़ी डिस्टर्ब लग रही हो तुम। मैं ऐसे फील हो रहा हूँ कल, लेकिन मैं ठीक। आर यू ओके ना? हाँ, अब तुम नहीं बताना चाहती तो वो अलग बात है। वैसे दोस्त तो इसी दिन के लिए होते हैं जब वो आपका मुश्किल में साथ दे और आपका हौसला बढ़ाए। एटलीस्ट बता तो दो क्या प्रॉब्लम है। जिंदगी में बहुत अजीब सा मोड़ आ गया। अब बोल भी दो यार। मुझे वकार से ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद नहीं थी? तुम तो ये जानती हो ना कि वो हर वक्त मेरे लिए मजनू बना रहता था। तो वो तो अब भी है। नहीं नेहा, वो अब वैसा नहीं रहा। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉम बहुत परेशान है। देखो, जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने वकार की फैमिली से कह दिया कि शादी के बाद मैं वहां नहीं रहूंगी। बस इस बात पर खामोशी आ रही। तो वो तो तुम भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी वकार से हो। हाँ, बट वो मेरी मॉम है, उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। तो फिर तुम क्या चाहती हो? बस मैं ये चाहती हूँ कि वकार मॉम से एक्सक्यूज कर ले। एक्सक्यूज किस बात का? उसने मॉम से मिसबिहेव किया नेहा। नहीं यार, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब बंदे की थोड़ी बहुत पहचान तो मुझे भी है। थोड़ी बहुत या बहुत सी? वैसे तुम उसकी बहुत वकालत करती हो। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उससे तुम्हारी वजह से ही मिलती हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तुझे इससे मतलब? तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो दरअसल मेरी कल की ना कबूतरी नहीं मिल रही, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। भाई तेरी कबूतरी नहीं मिल रही कल से, तू उसे यहाँ ढूंढ रहा है? वाह बेटा, बड़ा होशियार है, तेरा जवाब नहीं है वैसे। ये तो है। अच्छा मुझे ये बता, मुझे छोड़, तू इस वक्त यहाँ पे मटर गश्ती कर रहा है, क्या चक्कर है? मैं तेरे सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। पाबंद नहीं है या सीधी तरह बता, आलिया जी के चक्कर में है? हाँ हूँ आलिया जी के चक्कर में। मुझे किसी का डर पड़ा? तो बहाने क्यों बना रहा था बुजदिल कहीं का? डरपोक वरपोक नहीं हूँ, जो काम करता हूँ सीना ठोक के करता हूँ। बेटे आलिया जी जो है ना पढ़ी लिखी है, वो तुझे घास नहीं डालेंगे। बात सुन भाई, मेरे और आलिया जी के दरमियान में आने की कोशिश नहीं कर, वरना क्या वरना क्या क्या वरना
वरना मैं माहीन के पास जाऊंगा, उससे जाके बता दूंगा कि माहीन ये तुम्हारे चक्कर में नहीं है, ये आलिया जी के चक्कर में तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा है। नहीं यार, माहीन को ना बताना, तुझे पता पहले उसका इतना नखरा है, वो तो मुझे पहले घास नहीं डालती। ऐसे ना कर, तू मेरा दोस्त नहीं, मान जा यार ना बता। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, चल अब निकल यहाँ से, चलता बन। अच्छा यार मैं जा रहा हूँ, लेकिन माहीन को बताना नहीं, ठीक है? चल चल। अच्छा एक 20 रुपए दे दे, चाय पीनी है। अबे चल निकल यहाँ से। अरे आइए आइए भाभी जान, बैठिए। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बस ऐसी दिल चाहा तुमसे मिलने का तो चली आई हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बताइए, चाय लेंगे या ठंडा? अरे नहीं तो बस, तुम कुछ नहीं, बस तुम बैठो मेरे पास। कल रात को मैं घर पे फोन करती रही लेकिन किसी ने फोन उठाया ही नहीं। हाँ कल अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। क्या हुआ अम्मा को? और आपने तो मुझे बताया भी नहीं। बस अचानक तबीयत बिगड़ गई, दवा खाई तो अब सही। कहीं ऐसा तो नहीं अम्मा जान ने मेरी बात की टेंशन ले ली हो और उनकी तबीयत खराब हो गई हो? हाँ वो तुमसे बहुत खफा है, बल्कि उनको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ तो नाराज होंगी। सच पूछो तो मैं अपनी बात से खुद भी शर्मिंदा हूँ। मुझे अम्मा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। चलो छोड़ो, मैं तुमसे एक बात करने आई थी। कहे भाभी जी, क्या बात है? वकार ने तुमसे जिस तरह से बात की है मैं उसकी माजरत करना चाह रही थी। भाभी जान आप बड़ी हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन छोटों को बड़ों से इस तरह बात नहीं करना चाहिए जिस तरह वकार ने की तुमसे। गलती मेरी भी है। चलो जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, लेकिन अब ये सोचो कि हम इस मसले का हल कैसे निकालें। क्या करूं भाभी जान, निकट भी मेरी बात सुनती नहीं, मैं तो समझा समझा के परेशान हो गई। मुझे एक बात और करना थी तुमसे। हाँ हाँ भाभी जान बोलिए। तुम्हें नरगिस और खुर्रम के रिश्ता मुनासिब लगता है? ये भी अम्मा जान की ही जिद है भाभी जान, वरना खुर्रम तो इस रिश्ते के लिए खुद तैयार नहीं। हमें अपने बच्चों की खुशियां भी देखना चाहिए। अम्मा की जिद अपनी जगह, लेकिन हमें बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी तो सोचना चाहिए। लेकिन ये बात अम्मा को कौन समझाए? उनको तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। इसका मतलब है कि नरगिस की असल परेशानी खुर्रम है, और उसी की वजह से हमारे नरगिस के दरमियान दूरियां आ गई। नरगिस तो उन फूलों की तरह से नरम नाजुक, खुर्रम के रिश्ते ने उसे तोड़ कर रख दिया। कितनी उदास और गमजदा दिखाई देने लगी, कितना अच्छा वक्त है। नरगिस और मैं साथ थे, खुश थे, फिर न जाने खुर्रम कहां से आ गया। तुम ऐसे तो कभी भी नहीं थे गौरनी, मुस्कुराहट जो हर वक्त तुम्हारे लबों पर रहती थी वो कहां खो गई? शायद वो मुस्कुराहट नरगिस की वजह से थी। हाँ शायद ऐसा ही था, कभी तो उसकी नाराजगी के साथ वो मुस्कुराहट भी कहीं दूर चली गई। लेकिन हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही, नरगिस मुझसे नाराज क्यों? मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। कुछ भी है ऐसा जरूर है जो नरगिस मुझसे छुपा रही है। हो सकता है वो खुर्रम अपने रिश्ते की बात छुपाना चाह रही है, यही बात हो सकती है। लेकिन अगर यही बात है तो नरगिस को मुझे बताना पड़ेगा। और मियाँ इतनी खुदगर्जी अच्छी बात नहीं है, उनके खानदान का अंदरूनी मामला
अगर नरगिस तुम्हारे नसीब में है तो वो हर सूरत तुम्हें मिलेगी। आयशा की बच्ची कहाँ चली गई है? शायद वही कुछ बता सके। दफा हो जाओ घटिया इंसान, जिंदगी अजाब कर दी है तुमने मेरी। जो करना है ना तुमने तुम कर लो, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। आपी, ये वही था ना? हाँ वही घटिया इंसान, सकून गारत करके रखती है उसने हमारा। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि घर वालों को बता देना चाहिए। आशा तुम समझती क्यों नहीं हो? घर में ऑलरेडी इतनी बड़ी टेंशन है, मैं बताती तो एक और मसला खड़ा हो जाता। ठीक है, घर में टेंशन है ना तो गौहर मैं को बता दूंगी। हरगिज़ नहीं, गौहर को तुम कुछ भी नहीं बताओगी। आपी, आखिर आपका मसला क्या है? गौहर मैं का नाम आती है अब इतनी बेजार से क्यों हो जाती है? कि मेरा जाती मामला है। तुम अभी छोटी हो आयशा, छोटी रहो। आप ही छोटी हूं लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि गौहर में बहुत परेशान है, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी, आप ही मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आयशा, हम अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले कर तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी ना नसीब दरमियान में आ जाता। आपी, आपको पता है गौहर में मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि आप क्यों इतनी परेशान हैं। तो फिर क्या कहा तुमने? मैंने कहा पूछकर बताऊंगी, आइंदा अगर वो कुछ पूछे ना तो उनसे कह देना कि ये मेरा जाती मसला है। आपी, आप किसको धोखा दे रही हैं? आपी, मैं आपकी छोटी बहन हूं, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप गौरिया को बहुत चाहती हैं। आशा प्लीज खामोश हो जा। आपी, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। आपका चेहरा बता रहा है कि आप गौरिया को कितना चाहती हैं। कजन, एक वक्त में एक काम कर लो। क्या? या तो पढ़ लो या सुहाने ख्वाब देख लो। पढ़ तो रही हूँ। जी, दिख रहा है वो तो। क्यों तंग कर रही हो मुझे? मैं तंग कर रही हूँ या कोई और तंग कर रहा है, या फिर कोई याद आ रहा है? बकवास बंद करो, पढ़ने दो मुझे। ए बीबी, ऐसे में ऐसा ही होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब दिल और दिमाग में कोई बसा हो तो ऐसे ही होता है, पढ़ाई नहीं होती। तुम्हें ये खबर किसने दी? तुम्हारे चेहरे ने, जो चीख चीख के कह रहे कि तुम्हें प्यार हो गया है। बस कर दे यार, फालतू की बातें मत कर। वैसे मुझे तो लगता है कि तुम टीपू के बारे में सोच रही हो। टीपू के बारे में? और मैं क्यों सोचूंगी? ऐसा क्या कमाल कर दिया उसने? ये तो उस लेडी विलन से पूछो जो वक्त बेवक्त उसके आसपास मंडलाती रहती है। मुझे तो वो जहर लगती है, दिल चाहता है कि उसका कत्ल कर दो। हाँ यार, तुझे कैसे पता चला? क्योंकि तुझे टीपू से प्यार हो गया है। नाजिया की बच्ची पकड़ी गई ना? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिर उस लेडी विलन की टीपू के साथ सेटिंग करा देते हैं। अच्छा बाबा, मजाक कर रही थी। मामी, मामी, क्या हुआ? आप मेरी तरफ देख के बात क्यों नहीं कर रही? क्या आप अब तक मुझसे नाराज हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मामी प्लीज, एक आप ही तो हैं मेरा सहारा। तो मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं नहीं हुई तो तुम्हारा क्या होगा। अच्छा अच्छा, आप बताएं आप क्या चाहती हैं? तुमने मुझसे कहा था ना मुझे सोच के जवाब दोगी, और मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, मुझे जवाब अभी तक नहीं मिला। सॉरी, मैं भूल गई। क्या?
तुम अपनी जिंदगी के बारे में भूल गई? वैसे तो तुम्हें हर एक की बहुत फिक्र रहती है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम किससे शादी करना चाहते हो। मैं जल्दी बता दूंगी। नहीं, तुम अभी मुझे उसका नाम बताओ शराफत से। अच्छा, कल बता दूंगी। तुम बस यही कहती रहना। पक्का वादा, इस दफा पक्का बता दूंगी। चले हम मुस्कुराए। क्या बात है विक्की, इतने डिस्टर्ब क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ भी। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बिजनेस को लेकर टेंशन। तो अब आप झूठ भी बोल रहे हो? झूठ मतलब क्या? क्या झूठ बोला मैं? यही कि ये प्रॉब्लम बिजनेस की वजह से, जबकि इसकी असल वजह निगत है। निगत ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बताया उसने? यही कि वो आपके साथ उस घर में नहीं रहना चाहते जिस पर आप खफा हैं। और क्या कहा उसने? एक बात पूछूं मैं आपसे? याशु, निगत से अब भी आप मोहब्बत करते हैं ना? ये तुम क्यों पूछ रहे? वो इसलिए कि जब भी उसका नाम आता है तो आपका चेहरा खिल उठता है। हाँ, क्योंकि ये कोई एक दो दिन की मोहब्बत नहीं है। मैं आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको और निगत को करीब लाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। खैर, बाज़ औकात नसीब आपको कहीं का कहीं ले जाता। तो अब आपने क्या सोचा? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि अब तो आपके और निगत के दरमियान डेडलॉक आ गया है ना? ये जो डेडलॉक होता है ना, ये वक्ती तौर के लिए होता है। इससे मोहब्बत खत्म नहीं होती। तो क्या तुम अब भी निगत से मोहब्बत करते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? नेहा, मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है। इसका मतलब है कि तुम शादी के बाद घर दामाद बनकर रहोगे? ये किसने कहा तुमसे? निगत ने तो शादी की यही शर्त रखी है ना? तुम शायद मेरी बात समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जिंदगी में तुमने कभी मोहब्बत नहीं की। आपको किसने कहा कि मेरी और वकार की मंगनी खत्म हो रही है? इतनी जिंदगी गुजारी है हमने, हवा का रुख देख के बता देते हैं कि वो किस सिमत पे जा रही है। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? सब खैरियत तो है? आंटी तो ठीक है ना? हम सोच रहे थे कि अगर हम अपने गौहर मियाँ की शादी डिफेंस के किसी अमीर घराने में कर दें, बस हमें सपोर्ट भी मिल जाएगी। देखें, आपको गौहर मियाँ की पसंद का बखूबी अंदाजा है, तो बेहतर यही होगा कि आप इस सोच को अपने जहन से निकाल दें।